आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में अपनी आईडी लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर फ़ोन नंबर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंट इनएक्टिव, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट टू एक्टिवेट इट। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है, यानी कि आपने जब अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट डिलीट किया होता है और डिलीट करने के बाद अगर आप फिर से लॉगिन करेंगे तो ये मैसेज, ये एरर आपको शो होता है। तो यहाँ पर आपसे ये कहता है कि जो आपका अकाउंट है वो इनएक्टिव हो चुका है, तो यहाँ पर इसे फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करके या फिर कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करके। तो कैसे अपने इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव करेंगे, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर अपने इनएक्टिव अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करने के लिए फ्लिपकार्ट ऐप से बाहर आइए, उसके बाद गूगल क्रोम ब्राउज़र को अपने फ़ोन में ओपन करिए और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्लिपकार्ट। तो जैसा कि देख सकते हैं, इस टाइप से flipkart.com सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब ऊपर तीन डॉट पर क्लिक करिए, क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ऑन करिए। यहाँ से डेस्कटॉप साइट को ऑन करने के बाद देख सकते हैं, इस टाइप से आपका फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप इसे जूम करिए। तो जूम करके देख सकते हैं, एंटर ईमेल और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर अपना नंबर एंटर करेंगे जिस नंबर से आपका अकाउंट इनएक्टिव दिखा रहा है, और उसके बाद आपको मिलेगा फॉरगॉट का ऑप्शन, नीचे पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड एंटर नहीं करना है, फॉरगॉट ऑप्शन पर क्लिक करिए। फॉरगॉट पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, तो ये वाला ओटीपी एंटर करिए। हमारा ओटीपी आया है 276543। उसके बाद देख सकते हैं नीचे सेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा ओटीपी एंटर करके, तो यहाँ पर सेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट का एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो हम पासवर्ड बना लेते हैं अपने अकाउंट का, और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के बाद रीएक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। थोड़ा सा वेट करिए और आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप रीएक्टिवेट पर क्लिक करके देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ से इसे कट करेंगे और साइन इन पर फिर से क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर एंटर करिए। फ़ोन नंबर एंटर करके कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी सेंड किया जाएगा नंबर पर और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट अकाउंट को इनएक्टिव से एक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।